हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ और आज का वीडियो होने वाला है फुल्ली रिव्यू ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी जो नासिक महाराष्ट्र में है और इसके साथ साथ उसने मधुबनी बिहार में है। तो एक्चुअली में इसके दो कैंपसेस हैं, तो दोनों कैंपसेस का आज रिव्यू करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूँ किस कोर्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, तो मैं आज करने वाला हूँ बीटेक कोर्स का रिव्यू। तो चलो इस वीडियो का थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि किस किस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हाइस्ट पैकेज जो 1.12 करोड़ का है। If you want admission in Sandeep University, so you have to go to my description. वहाँ पे एक मेरा Google form का link है, उसको fill up कर देना, उसके आपका admission होता है, done हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे courses offered by the Sandeep University, तो यहाँ पे basically BTEC, MCA, MTEC, BBA, MBA, BCom, diploma और भी बहुत सारे courses आपको यहाँ पे offered किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ होता है बुलेट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे अगर आपको सीट बुकिंग करना है तो मिनिमम आपको सीट बुकिंग का 2500 देना होता है। अगर आपके जीमेन में अच्छे मार्क्स है तो संदीप यूनिवर्सिटी में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा विथ स्कॉलरशिप। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलुमनाई की, तो यहाँ पे अभी 10,000 प्लस एलुमनाई संदीप यूनिवर्सिटी के अभी रह चुके हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये कॉलेज एक्चुअली में नॉर्थ में टॉप 4 कॉलेज में आता है और यहाँ पे NITs और IITs के बड़े बड़े एक्सपीरियंस फैकल्टीज भी यहाँ पे पढ़ाते हैं और यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज ने 120 प्लस पेटेंट अभी तक होता है फाइल कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कॉलेज हो के, एक साधारण सा कॉलेज हो के 120 इसके नाम पे पेटेंट है। सो इट्स रियली गुड ईयर। तो संदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट दो जगह पे है, एक पहला महाराष्ट्र के नासिक में है और दूसरा बिहार के मधुबनी में है। और सबसे अच्छा इसमें ये बात है कि इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बिहार और महाराष्ट्र, अगर आप नासिक से भी हो, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। तो अगर आप बिहार और महाराष्ट्र से हो और इस कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा जिस लोन से आप अपना जो होता है आगे का पढ़ाई होता है कंटिन्यू कर पाओगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हाइएस्ट पैकेज की, तो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इनक्रेडिबल प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं जब ये वीडियो के बारे में सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि 1.12 करोड़ का हाइएस्ट पैकेज है। इसे एक होता है यूएस की कंपनी ने दिया हुआ था, जो मेरे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको देख सकते हो। उसके बाद मैं होता है सेकंड हाइएस्ट की बात करूँ, तो यहाँ पे ATLPA का होता है हाइएस्ट पैकेज लगा था। सेकंड 75, उसके बाद होता है 28, 27, 26 के होता है 3 पैकेजेस लगे हुए थे, फिर होता है 22 के पैकेज लगा हुआ था, फिर 20, फिर 19, फिर 18.5 और सबसे लास्ट जो होता है कि हाइएस्ट पैकेज में जो गिना जाता है वो 18LPA का हाइएस्ट पैकेज लगा हुआ था। तो अगर मैं बात करूँ संदीप यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज, तो यहाँ पे लगभग होता है 12LPA का आपको होता है एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ जो कैंपस साइज, तो कैंपस एक्चुअली में बहुत ब्रॉड है। अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र वाला कैंपस, तो महाराष्ट्र वाला कैंपस आपको लगभग होता है 250 एकर्स में होता है देखने को मिल जाता है। तो ये एक्चुअली में बहुत आपको बड़ा कैंपस देखने को मिल जाता है। और अगर आप महाराष्ट्र के नासिक में जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा प्रायोरिटी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे सारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली में यहाँ के जो भी फैकल्टीज हैं वो NIT और IITs के एक्सपीरियंस यहाँ पे फैकल्टीज है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं बात कर रहा था महाराष्ट्र वाले कैंपस का, तो चलो अब हम से बात करते हैं मधुबनी जो बिहार वाला जो कैंपस है उसके बारे में बात करते हैं, और इसके होता है फीस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसका फीस स्ट्रक्चर कितना है। अगर आप बीटेक के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर के ब्रांच में जाते हो, तो वहाँ पे पर एनएम का आपको फीस लगने वाला है 88,000 का फीस लगने वाला है। और अगर मैं बात करूँ कि पैकेज लेते हो इन अ पैकेज टाइप 1 हॉस्टल, तो आपको लगने वाला है जो टोटल फीस वो 5 लाख का होता है, टोटल फी आपको लगेगा होता है 4 ईयर का। और अगर होता है कैटेगरी 2 में लेना चाहते हो, हॉस्टल का जो होता है कैटेगरी 2 भी होता है, तो वहाँ पे आपको टोटल फीस लगने वाला है 4,60,000। तो ये एक्चुअली में वर्थ इट है, फीस बहुत कम है, तो आप यहाँ पे जाके आराम से कर सकते हो अगर आपका बजट कम है। अगर आप होता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी लेना चाहते हो, तो आपको 4 लाख तक का होता है आपको लोन मिल ही जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाला। अगर मैं बात करूँ उसे विदाउट हॉस्टल 4 ईयर का फी कितना लगने वाला है, तो 3,52,000 का आपको फीस आराम से देखने को मिल जाएगा। अगर आप होता है लेटरल एंट्री करना चाहते हो बीटेक के किसी भी कोर्स में, तो आपको सेम फीस लगने वाला है 88,000 का। और एक्चुअली में ड्यूरेशन अगर लेटरल एंट्री में होता है 3 ईयर्स का हो जाता है, तो यहाँ पे फीस आपका फीस कम हो जाएगा। अगर आप 3 ईयर्स के ड्यूरेशन में जाते हो, तो यहाँ पे अगर आप टाइप 1 हॉस्टल के साथ जाते हो, तो यहाँ पे आपको लगने वाला है 4 लाख का टोटल फी। और अगर टाइप 2 हॉस्टल के साथ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे लगने वाला है 3,70,000 का जो टोटल फी और 4 ईयर। और अगर आप जो हॉस्टल कंसिडर नहीं कर सकते हो, अगर आप आउटसाइड में रहना चाहते हो और सिर्फ आप जो फीस की बात करो, तो यहाँ पे सिर्फ 2,64,000 का आपको फीस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ बीटेक CSE ब्रांच की, तो यहाँ पे 1 लाख का पर एनएम फीस है। और अगर मैं बात करूँ अगर टाइप 1 हॉस्टल के साथ जाते हो, तो 5,60,000 का फीस लगने वाला है। अगर विदाउट अगर आप जो हॉस्टल के जाते हो, तो यहाँ पे 4 लाख का आपको होता है फीस देखने को मिल
जाएगा। और भी बीटेक के बहुत सारे ब्रांच है, तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप बीबीए और बीसीए करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगने वाला है फीस 75,000 का फीस लगने वाला है पर ईयर। और अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको 3 ईयर का जो फीस है वो 4,35,000 का अगर फीस देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि अगर आप विदाउट हॉस्टल जाना चाहते हो तो यहाँ पे लगने वाला है 2,25,000 का फीस लगने वाला है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप आराम से हॉस्टल 1 या 2 के साथ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फीस थोड़ी कम है। और अगर इफ़ यू आर फ्रॉम बिहार तो ये फीस भी बहुत कम है, तो यहाँ से आप आराम से बीटेक के सारे कोर्स कर सकते हो और बीबीए बीसीए भी कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं एमसीए की। तो एम सी ए का जो पर ईयर का फीस है वो 65,000 का है। एक्चुअली में फीस कम है यहाँ पे, बी सी और बी बी ए से भी फीस यहाँ पे एम सी ए का कम है, और ड्यूरेशन 2 ईयर का है। अगर मैं बात करूँ, अगर हॉस्टल 1 अगर आप यहाँ पे लेते हो विथ 2 ईयर फीस, तो यहाँ पे लगने वाला है आपका टोटल फीस 2,70,000। और अगर आप हॉस्टल 2 के साथ जाना चाहते हो तो आपको लगने वाला फीस 2,50,000। और अगर विदाउट हॉस्टल हॉस्टल के जाना चाहते हो तो आपको टोटल फीस एमसीए में लगने वाला है 1,30,000, जो बहुत कम है यार। तो आराम से आप एमसीए कर सकते हो, तुम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। और भी आपके स्क्रीन पे सारे कोर्सेस आ रहे होंगे, अपने कोर्स के हिसाब से आप जो पॉज करके देख लेना आपका कौन सा कोर्स है और उस हिसाब से आपको आपका फीस कितना है। तो चलो हम चलो अब हम यहाँ पे अदर चार्जेस की बात कर लेते हैं। लग जाता है हॉस्टल के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 है, जो रिफंडेबल हो जाता है। अगर हॉस्टल 1 के लिए जाना चाहते हो तो आपको लगने वाला है पर ईयर 70,000, और हॉस्टल 2 के लिए जाना चाहते हो तो पर ईयर लगने वाला है 60,000। और अगर मैं बात करूँ यूनिफॉर्म फीस, यहाँ पे एक्चुअली में यूनिफॉर्म होता है, तो अगर यूनिफॉर्म फीस की बात करूँ तो 5,500 का आपको यूनिफॉर्म फीस लग जाएगा। और कुछ कुछ कन्वेंशन चार्जेस भी होते हैं और उसके सर्टिफिकेशन के होते हैं, तो उसके लिए आपको लगेगा 3,000 का एक्चुअली रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी बिहार मधुबनी का। अब हम बात करें संदीप यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, जो नासिक में है, जो मेन कैंपस है इसका, तो चलो हम उसका बात कर लेते हैं। तो मेन कैंपस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ये मेन कैंपस है और सबसे अच्छा यही कैंपस है। तो मैं तो यही करूँगा कि अगर आप बिहार से हो तो बिहार को कंसिडर कर सकते हो, अगर आपका बजट कम है। अगर आपका बजट अच्छा है खासा है तो आप संदीप यूनिवर्सिटी के महाराष्ट्र नासिक वाले ब्रांच को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रांच बहुत बड़ा है, 250+ एकर का है। और उसके साथ साथ यहाँ पे फीसेस भी ज़्यादा है, और उसके हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेक की, तो यहाँ पे पर ईयर का फीस है 1,75,000। और अगर मैं बात करूँ हॉस्टल चार्जेस की, तो 1,10,000 पर ईयर का हॉस्टल आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ टोटल फीस की, तो टोटल फीस यहाँ पे लगने वाला है बीटेक के, आप जब बीटेक करोगे तो 11,40,000। तो ये टोटल फीस है। आप पूरा जो पैकेज के साथ फीस देना चाहते हो, फीस यहाँ पे अगर एक बार में आपको टोटल फीस दे देते हो तो यहाँ पे 8 लाख आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ का फीस है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि बीटेक के किसी भी ब्रांच में जाना है विद स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे होता है 2 लाख का पर ईयर का फीस देखने को मिल जाएगा। और आपका टोटल अगर मैं फीस की बात करूँ, अगर इंस्टॉलमेंट में फीस देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लगने वाला है 12,40,000 का। अगर चाहते हो एक बार में ही देना चाहते हो तो आपको टोटल फीस लगने वाला है 9 लाख का लगने वाला है। तो अगर आप देख सकते हो नीचे भी बहुत सारे कोर्स है, लाइक बी एस सी सी एस इन AIML, तो इसमें आपको लगने वाला है सिर्फ 70,000 का फीस, और हॉस्टल का चार्ज सब में सेम है 1,10,000 का। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे टोटल फीस आपको कितना लगने वाला है जब एक पैकेज में दोगे, तो आपको लगने वाला 5 लाख का जो टोटल फीस। और अगर मैं बात करूँ जो टोटल फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो 5,40,000। तो यस, अगर यहाँ पे 3 साल का कोर्स है तो आप आराम से आप इतना तो आप होता दे ही सकते हो। तो आप नीचे देख सकते हो सिविल ब्रांच का है, और अभी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच है। तो चलो अब हम एमसीए की फीस की अभी हम बात कर लेते हैं। तो एमसीए का फीस जो पर ईयर का 85,000 का आपको लगने वाला है। एक्चुअली में एमसीए का ड्यूरेशन 2 ईयर का होता है, तो यहाँ पे हॉस्टल फीस सेम है। और अगर मैं बात करूँ कि अगर आप हॉस्टल के साथ अगर एमसीए को आप 1 पैकेज में लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको लगने वाला है 3,90,000। और अगर आप हॉस्टल के साथ एक पैकेज लेना चाहते हो जिसमें फीस और हॉस्टल दोनों एक साथ देना चाहते हो, तो यहाँ पे लगने वाला है 3,25,000। एमबीए का भी आप देख सकते हो फीस 1,30,000 का है फीस, और सेम टू सेम अगर आप एक पैकेज में देना चाहते हो तो यहाँ एमबीए का टोटल फीस लगेगा 4,50,000। और अगर टोटल फीस है इंक्लूडिंग हॉस्टल, तो उसमें एमबीए का आपका फीस आपको टोटल लगने वाला है 4,80,000 का। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो ऊपर से नीचे तक आप इसको देख लो कौन सा कोर्स आपके हिसाब से कन्वीनियंट रहेगा और उसकी फीस कितनी है। आज मैंने डिस्कस किया संदीप यूनिवर्सिटी के सारे स्टैक पे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।